हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये अंगूठे वाला सॉक्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये बनता है फ्रेंड्स इसको मैंने दो कलर में बनाया है ऑरेंज और वाइट कलर आप चाहें तो इसमें मल्टी कलर भी यूज कर सकते हैं या दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये बैक साइड से कुछ ऐसे आएगा और फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ ऐसे है तो बहुत ही प्यारा है इसको मैंने दस नंबर की सलाई से बुना हुआ है और यहाँ पे हमने ये देखिए नॉर्मल ऊल लिया हुआ है देखिए बहुत ही प्यारा ये बन के आया फ्रेंड्स तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करें इसको फ्रेंड्स मैंने चार से पाँच नंबर के लिए बनाया है और आगे वीडियो मैंने बताया है आप लोगों को कि आप छः नंबर के लिए बनाएंगे तो कितना फंदा रखना है सात आठ सबके लिए मैंने बताया है तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे फोर्टी नाइन फंदे लिए हैं और ये सॉक्स मैं पाँच नंबर के लिए बना रही हूँ अगर आप सिक्स नंबर के लिए बना रहे हैं तो फिफ्टी वन फंदे लें ठीक है ये मैं पाँच नंबर के लिए बना रही हूँ पाँच से छः नंबर को भी आ जाएगा लेकिन अगर आप छः नंबर के लिए बना रहे हैं तो इक्यावन फंदे लें और यहाँ पर देखिए मैंने दस नंबर की सलाई यूज की है और यहाँ पर ये बेबी ओल है अब हम यहाँ पे उनचास फंदे लेने के बाद तीन अंगुल का हमने ये चार अंगुल का बॉर्डर कंप्लीट किया है देखिए तीन इंच की अब इसको हमने क्या करना है फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम एक वाइट कलर दो कलर हमने लिया है ये ऑरेंज और व्हाइट कलर आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं तो यहाँ पे हम ऑरेंज और वाइट कलर का बनाएंगे फ्रेंड्स तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हमने देखिए बॉर्डर कंप्लीट कर फंदे डालने के बाद देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है दो उल्टे दो सीधे की आप कोई सा भी बॉर्डर बना सकते हैं जो आप लोग को सही लगे और फंदे हमने ये डबल उल करके डाला जैसे हम हर में फंदे डालते हैं अब हम यहाँ पे देखिए तेईस ये फोर्टी नाइन फंदे हैं तो तेईस फंदे हम एक साइड करेंगे तेईस फंदे एक साइड सेंटर में हमारे तीन फंदे पे ये डिजाइन बनेगी ठीक है ध्यान दीजिएगा तेईस तेईस हो गया हमारा छियालीस और सैतालीस अड़तालीस उनचास तो तीन फंदों पे हमने ये डिजाइन डालनी है अगर आप इक्यावन फंदे डाल रहे हैं तो साइड साइड में आप चौबीस फंदे करेंगे चौबीस फंदे एक साइड चौबीस फंदे एक साइड तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने सेकंड कलर जोड़ा वाइट कलर अब इसको देखिए यहाँ पे अब हम तेईस फंदे बनाएंगे आगे की साइड से हमने जोड़ लिया बहुत सिंपल है डिजाइन ये तो यहाँ पे देखिए हम तेईस फंदे व्हाइट कलर से बनाते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तेईस फंदे व्हाइट कलर से बना लिए हैं अब तेईस फंदे हमारा इस साइड भी है और तीन फंदे छोड़ के तीन फंदे हमारे ये सेंटर में अब हमने क्या करना है एक फंदे को ऐसे उतार लेना है ठीक है तीन फंदों में हमारी डिजाइन बनेगी देखिए हमने एक फंदे ऐसे उतार लिया अब यहाँ पे देखिए एक फंदे में हम यहाँ पे सात फंदे बनाएंगे देखिए एक फिर को अपनी साइड लाएंगे दो को पीछे ले गए तीन फिर को अपनी साइड लेके आए चार फिर उनको पीछे ले गए पाँच फिर उनको अपनी साइड लेके आए छः फिर उनको पीछे ले गए देखिए उसी लूप में हमने यानी एक ही फंदे में सात फंदे बनाना है देखिए यहाँ पे एक फंदे में हमने सात फंदे बना लिए फिर से इस फंदे को हमने साइड वाले को उतार लिए अब लास्ट में हमारे ये यहाँ पे तेईस फंदे हैं इन तेईस फंदे को हमने बना लेना है सिंपल सिंपल तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स जरूर आप लोग बनाइए आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं ये देखिए हम इसको आगे की साइड से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करते हैं देखिए हम बैक साइड आ गए यानी पीछे की साइड उल्टे साइड यहाँ पे हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे देखिए बहुत इजी है यहाँ पे हमने कोई डिजाइन नहीं बनाना है सिर्फ उल्टा सीधा सिर्फ हमारा ये बीच में जो हम फंदे हमारे बढ़ रहे हैं बस वहां पे हमारी ये डिजाइन बन रही है फ्रेंड तो इसको सभी बिगनर्स भी बना लेती हैं बना लेंगे अच्छे से क्योंकि इसमें कोई डिजाइन नहीं बस आपने इतना ध्यान देना है कि बीच में हमने तीन फंदों पर हमारी ये डिजाइन बनती हुई जाएगी ये देखिए अब ये जो हमारा यहाँ पे ऑरेंज कलर का है इसको हमने ऐसे उतार लेना है फ्रेंड्स देखिए हम इस साइड से भी इस फंदे को उतार लेंगे फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे और इन सात फंदे को हमने सीधा सीधा बनाना है पीछे की साइड से इन सात फंदे को हमने सीधा सीधा बनाना है ये देखिए इन सात फंदे को हमने सीधा सीधा ऊन को पीछे लाएंगे ऑरेंज कलर के फंदे को हमने उतारा फिर साइड में जो हमारे तेईस फंदे हैं इनको हम ऐसे बना लेंगे तो चलिए ये हम बना के फिर आगे की साइड देखिए फ्रेंड्स हम ये बना के आगे की साइड आ गए हैं अब आगे की साइड हमने क्या करना है अब हम फिर से यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे ऑरेंज कलर देखिए ऑरेंज कलर से हमने सभी फंदे को बनाना है ये देखिए अब हमने कोई भी फंदे यहाँ पे घटाने बढ़ाने नहीं है सिर्फ ये सीधा सीधा बना के यहाँ पे दो दो सलाइए कि हमारी ये डिजाइन मतलब कलर चेंज हो रहा है एक सलाई आगे से हम बनाएंगे एक सलाई पीछे से देखिए व्हाइट वाला भी हम एक सलाई आगे से डिजाइन बनाया पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा हम बनाए ये देखिए अब इसमें हम सभी फंदे को ये जो हमने उतारा था इसको भी हमने बना लेना है फ्रेंड्स ये देखिए इसको भी हमने बुन लेना है ये देखिए यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन बनी है तो चलिए हम ये पूरा बना लेते हैं यहाँ तक तब आप लोग को बताते हैं देखो हम पीछे की साइड आ गए देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे भी सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे आगे की साइड से सीधा सीधा बनाया पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे देखिए फिर से हम आगे की साइड आ गए हैं अब हम यहाँ पे वाइट कलर से बनाएंगे अब देखिए अभी तक हम साइड में तेईस फंदे रखे थे अब हमारे तीन फंदे इस साइड बढ़ जाएंगे कैसे बढ़ेंगे क्योंकि हमने एक फंदे का सात फंदा किया था आप लोग को याद होगा यहाँ पे जब हम डिजाइन बनाए थे तो एक का सात फंदा किया था तो तीन फंदा हमारा इधर बढ़ेगा तीन फंदा उस साइड और सेंटर के फंदों में फिर से अब हमने सात फंदा आप ध्यान दीजिएगा बस मैं आप लोग को काउंट करके बताऊंगी कि अब हमारा अभी तेईस फंदा फिर हम सत्ताईस फंदा बनाएंगे बस आप लोग इतना ध्यान से पूरा देखिएगा अच्छे से क्योंकि इसमें इस डिजाइन में क्या होता है दोस्तों कि एक भी फंदे अगर हम लोग का इधर उधर होता है तो डिजाइन हमारी टेढ़ी हो जाती है सही नहीं बनती तो इसलिए मैं गिन के बता रही हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह दूनी चौबीस एक पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस सॉरी फ्रेंड सत्ताईस कह रही हूँ मैं तेईस फंदे थे ना अब यहाँ पे हो जाएंगे तेईस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह दूनी चौबीस एक पच्चीस तो तेईस में हम यहाँ पे तीन मिलाएंगे तो चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए तीन फंदे हमारे बढ़ गए हैं एक दो तीन चार पच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दूनी चौबीस एक पच्चीस एक छब्बीस छब्बीस फंदे अब हमने क्या करना है देखिए अब यहाँ से हम एक फंदे फिर से ऐसे उतारेंगे फ्रेंड्स एक फंदे हम उतारेंगे यहाँ पे देखिए हमारे तीन फंदे बच रहे हैं ये डिजाइन का एक उतारने के बाद तो एक फंदे हम यहाँ पे उतारेंगे फिर हम अब देखिए फ्रेंड्स एक लाइन में हमने ये डिजाइन बना ली है ये वाली फ्लावर वाली अब हम सेकंड लाइन में डिजाइन बनाएंगे तो इसके पहले फ्रेंड्स हमने व्हाइट कलर की ये बनाने के बाद मतलब तेईस फंदे लिए थे अब हम छब्बीस फंदे लेंगे तीन फंदे हमारे बढ़ जाएंगे तीन फंदे कैसे बढ़ेंगे क्योंकि एक फंदे से हमने सात फंदा किया था तो अब हमारा तीन फंदा इधर बढ़ेगा तीन फंदा उधर ठीक है तो ऐसे ही देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे हमने ये एक डिज़ाइन हमने बनाया अब देखिए क्या करना है सेंटर तक हम बुनाई करते हैं तो ये दूसरी लाइन है डिज़ाइन की वाइट वाले की सेंटर का जो हमारा फंदा होगा फ्रेंड्स उसके देखिए अब हमने यहाँ पे ऐसे फंदे को उतार लेना ये हमारा सेंटर का फंदा है तो इस पर हम फिर से सात फंदे बनाएंगे फ्रेंड्स तो देखिए अभी हमने कितने फंदे बनाए हैं देख लेते हैं एक बार कितना फंदा आपने बुनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह दूरी छब्बीस छब्बीस फंदे छब्बीस फंदे बनाने के बाद एक फंदे हमने यहाँ पे उतार लिया है आप देखिए इस फंदे में हम एक फंदे का सात फंदा बनाएंगे एक ऊन को अपनी साइड करेंगे फिर इसी फंदे में हम उल्टा बनाएंगे दो ऊन को पीछे ले जाएंगे इसी फंदे में हम सीधा बनाएंगे तीन ऊन को आगे लाएंगे चार फिर ऊन को पीछे ले गए पाँच फिर ऊन को आगे लाएँ छः ऊन को पीछे ले गए सात इसी फंदे में अब इस फंदे को मैं से गिरा देंगे उसके बाद हम इस फंदे को ऐसे उतार लिए बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तो इस साइड भी हमारी तेईस फंदे होगी यही चीज आपने नोट करना है एक भी फंदे हमारा डिजाइन का इधर उधर नहीं होना चाहिए अगर आपका एक भी फंदा कम ज़्यादा हुआ तो एक साइड ये कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपका ये जो फ्लावर बन रहा है फ्रेंड्स तो ये तिरछा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें तो बाकी के फंदे को देखिए हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे और पीछे की साइड से हम उल्टा उल्टा जैसे हमें अभी इसके पहले हमने बताया था जब हम ये सफ़ेद वाला बनाए थे तो एक बार और मैं आप लोग को बता दे रही हूँ उसके बाद बताऊँगी कि, कि हमने क्या करना है ये देखिए अब पीछे की साइड से हम यहाँ तक उल्टा उल्टा बनाएंगे जो हमने एक फंदे का साथ किया उसको हम सीधा बनाएंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा ये साइड के फंदे को हमने उल्टा उल्टा बना लेना है आगे की साइड से सीधा सीधा और पीछे की साइड से हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं यहाँ पे आप दो रंग कोई सा भी ले सकते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हम यहां तक ये उल्टा उल्टा बनाए हैं अब इस ये जो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक फंदा लिया था तो इसको हम ऐसे यहाँ पे भी ऐसे उतार लेंगे इसको हमने बनाना नहीं है फिर हम उनको पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये सात फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात सात फंदा सीधा बनाया फिर उनको अपनी साइड लाएंगे। इस फंदे को हमने ऐसे उतार लिया और बाकी के फंदे को हम जो साइड साइड में हमारे तेईस तेईस फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और जो एक फंदे का हमने सात फंदा किया था उसको पीछे की साइड से हमने सीधा बनाया है और जो उतारने वाले फंदे थे ये स्लिप करना था उसको हमने सिर्फ स्लिप किया है अब देखिए ऐसे ही बना के हम आगे की साइड आते हैं देखिए फ्रेंड्स अब मैं आगे की साइड आ गई हूँ तो आगे की साइड से हमने ये ऑरेंज कलर लगाना है और यहाँ पे दो तो सलाई यानी एक सलाई आगे की साइड से सभी फंदे और एक सलाई पीछे की साइड से हमने सभी फंदे बनाने हैं उल्टा <coughs> आगे की साइड से सीधा और पीछे की साइड से उल्टा जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया था तो देखिए ऐसे ही हमने ये डिजाइन कंप्लीट करना है तो ये डिजाइन फ्रेंड्स सॉरी ये सॉक्स मैं पांच नंबर के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ पांच डिजाइन डालूंगी अगर आप छह नंबर के लिए बना रहे हैं, छह डिजाइन और सात के लिए सात ऐसे एक एक डिजाइन आपकी बढ़ती हुई जाएगी तो देखिए अभी हम ये सभी फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे एक भी फंदे यहाँ पे हमने स्किप नहीं करना है ऑरेंज वाला जब भी लगाएंगे तो सभी फंदे को हम बनाएंगे एक सलाई सीधे की साइड से सीधा सीधा और एक सिलाई उल्टे की साइड से उल्टा उल्टा बना के हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारे सात फंदे थे और एक ऑरेंज वाला बाकी के फंदे को भी हम ये सीधा सीधा और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा बनाकर आते हैं अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑरेंज कलर की दो लाइन बना के कम्प्लीट किया है आगे की साइड से हम वाइट कलर पे आ गए यानी सफ़ेद पे तो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में तेईस फंदे बनाने के बाद तब ये फूल बनाया था अब उसके बाद सेकेंड वाला हमने सत्ताईस फंदे बनाया था अब हम यहाँ पर तीस फंदे तीस फंदे यहाँ पर बनाए अब देखिए फ्रेंड्स एक फंदे हम यहाँ पे ऐसे स्लिप करेंगे और ये रहा हमारा सेंटर का फंदा ठीक अब हम एक फंदे में सात फंदे बनाएंगे फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स इस फंदे में हम सात फंदे बनाएंगे एक ऊन को अपनी साइड लाया दो ऊन को पीछे ले गए तीन फिर ऊन को आगे लाए चार फोन को पीछे ले गए पाँच फिर छः लास्ट सात फिर इस फंदे को हम ऐसे गिरा देंगे फिर इसके जस्ट बगल में हमने ये फंदे उतार लिया अब बाकी के फंदे को हमने देखिए सीधा सीधा बनाएंगे यहाँ पे आपने इतना ध्यान देना है फ्रेंड्स सेंटर वाले ही फंदे में हमने एक फंदे का सात फंदा करना है ठीक है एक भी फंदे इधर उधर नहीं होना चाहिए आप काउंट करके भी बना सकते हैं इसे तो हमने काउंट किया ये तीसरे फंदे को हमने ऐसे उतार लिया देखिए ये ऑरेंज वाला ठीक उसके बाद तीन फंदे के बीच में हमने ये डिजाइन बना ये देखिए बाकी के फंदे को हमने ये सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करना है और पीछे की साइड से उल्टा उल्टा सिर्फ ये सात फंदे हमने सीधा बनाना है तो चलिए इतना हम बना के फिर आप लोग को दिखाते हैं ये डिजाइन हमने पांच डिजाइन कंप्लीट करके कि क्या करना है आगे देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पांच डिजाइन ये बढ़ाने वाला बना लिया है तो एक दो तीन चार पांच पांच डिजाइन बनाने के बाद यानी फाइव डिजाइन बनाने के बाद, बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये देखिए दो सलाई की उल्टे सीधे की ऑरेंज वाली बनाई है जैसे हम ये वाइट के बाद बनाते हैं वो बनाया है उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे दो लाइन ये ऑरेंज की दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई है एक दो तो यानी दोनों साइड से हमने ये चार लाइन बनाया है चार लाइन हम बुने हैं तब यहाँ पे दो लाइन बन के आया है चार सलाई बनाएंगे तो दो सलाई यहाँ पे बन के आता है फ्रेंड्स ठीक है अब हमने क्या करना है आपने फंदे को हाफ हाफ डिवाइड करना है यानी आधा आधा करना है अभी मैं आप लोग को एक पार्ट बना है उसको दिखाती हूँ फिर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी हमारे फंदे होंगे यहाँ पे देखिए हमने ये आधा आधा डिवाइड किया है जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखिए हमने ये दो लाइन बनाने के बाद ये देखिए दो लाइन एक दो ये ऑरेंज वॉलेस बनाने के बाद फिर हमने ये आधा आधा फंदे एक एक साइड करके तो हमने देखिए कितना बनाए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ लाइन हम बनाएंगे इसको बना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यानी ये हम दो लाइन ये भी बनाए गिनेंगे तो उसको लेके आठ लाइन अगर आप दो लाइन नहीं काउंट करेंगे तो उसको लेके उसको छोड़ के हम छः लाइन यानी बारह सलाई और हम बनाएंगे ठीक है अब आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें टोटल फंदे कितने हुए हैं तो हम यहाँ पे फंदे को गिन लेते हैं कि कितना हमारा टोटल फंदा है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस तैंतीस अड़तीस उनचालीस एक चालीस ठीक चालीस दूनी अस्सी ठीक है तो यहाँ पे हमारे टोटल अस्सी फंदे हैं अस्सी नहीं उन्यासी सेवेंटी नाइन फंदे हमारे ठीक है तो यहाँ पे टोटल हमारे सेवेंटी नाइन फंदे हैं आपके अस्सी भी हो सकते एक दो फंदे कम ज्यादा हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है अब हमने क्या करना है देखिए आधा आधा फंदे हमने एक एक साइड करना है ठीक है तो इसमें से हम आधा आधा फंदा कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं यानी आधे फंदे हमने इस सिलाई पे रखा है आधा फंदा इस सिलाई पे रखा है तो देखिए एक फंदा हमारा ज़्यादा है एक एक सिलाई पे हमारे थर्टी नाइन फंदे हो रहे हैं और एक सिलाई पे हमारे फोर्टी फंदे हो रहे हैं तो एक फंदा इस सिलाई पे ज़्यादा है तो हम यहाँ पे एक फ़ंदा इसको कम कर देंगे तो इसको क्या करना है यहाँ पे हम दो फंदे का एक कर देंगे तो दोनों साइड देखिए हमारे उनतालीस उनतालीस फंदे यानी थर्टी नाइन फंदे इस साइड भी है या थर्टी नाइन फंदे इस साइड भी है तो अब हमने इसको डिवाइड करके सिर्फ हम यही फंदे को बनाएंगे जिस फंदे को अभी हमने नहीं बुनना है इस फंदे को हमने देखिए बारह सलाई बनाएंगे दोनों साइड से मिला के हमने उल्टा उल्टा बारह सलाई जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी सिक्स लाइन बनेगी यानी छः लाइन बनेगी तो ये देखिए हम इन्हीं उनतालीस फंदे को दोनों साइड से उल्टा उल्टा करके बारह सलाई जैसे हमने देखिए यहाँ पे डिवाइड करके बनाया हुआ है ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे ये बनाई है एक साइड के सिर्फ तो एक साइड का चलिए हम कंप्लीट करके फिर आप लोग को दिखाते हैं फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये देखिए टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ लाइन बना दी दसवीं लाइन में हम इसको फंदे को बंद करेंगे देखिए हम वो भी लाइन गिन रहे हैं उसको गिन के हमारे यहाँ पे टोटल नौ लाइन और दसवीं लाइन में हम बंद करेंगे अगर वो दो लाइन छोड़ के आप तो टोटल हमारे यहाँ पे आठ लाइन होगी ठीक है जो हम यहाँ पे बना लिए थे दो लाइन बनाने के बाद फिर हमने फंदे को अलग अलग किया है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स पीछे की साइड से हम फंदे को बंद करेंगे तो देखिए हम फंदे को कैसे बंद करते हैं अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम फंदे को कैसे बंद करेंगे ध्यान से देखिएगा एक फंदे हम बुनेंगे फिर इसको भी हमने बनाया फिर देखिए पीछे वाले फंदे को लाके हम आगे वाले के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे ठीक फिर से देखिए इस फंदे को हमने बनाया उल्टा से पीछे वाले फंदे को ले जाके हम देखिए ये ऊपर वाले के नीचे से निकाल दें फिर देखिए ऐसे फिर यहाँ पे हम इस फंदे को बनाएंगे ये देखिए ये देखिए तो ये हमारी देखिए ऐसे चैन सी बनती हुई जाएगी तो ऐसे ही हमने इस साइड का फंदा सभी फंदे को बंद करके फ्रेंड्स उसके बाद हम इस साइड भी यहाँ पे आठ लाइन बनाएंगे ठीक है आठ लाइन बनाने सॉरी छः लाइन बनाने के बाद दो लाइन तो हमारी पहले की है अब छः लाइन और हम बनाएंगे तो उसके बाद फंदे को हम सभी बंद कर देंगे जैसे हम इधर फंदे बंद कर रहे हैं ऐसे हम इस साइड भी फंदे बंद करेंगे तो अब हम आपको सिलाई करना बताएंगे तो चलिए इतना हम बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों साइड से बना के ये कंप्लीट कर लिया और दोनों साइड से हमने फंदे भी बंद कर लिए तो यहाँ पे हमने देखिए बराबर ये लाइन बना के कम्प्लीट किया अब इसकी हमने सिलाई करनी है सिलाई करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स हमने इसको फोल्ड करना है यानी ऐसे हम उल्टा इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हम इसकी सिलाई यहां से शुरू करेंगे देखिए ऊपर से शुरू करके फिर यहाँ तक देखिए हम यहाँ पे दो इंच छोड़ के सॉरी दो अंगुल ऐसे छोड़ के इतनी दूर तक सिलाई करेंगे ठीक है यहाँ से सीधी सिलाई करते हुए यहाँ तक हम आएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है अब देखिए हमने ये अंगूठे वाला करना है यहाँ पे हम कैसे सिलेंगे इसको देखिए हमने यहाँ पे आपने इसको दो अंगुल छोड़ना है फ्रेंड्स <coughs> ये देखिए थोड़ा सा हम और सिल लेंगे यहाँ पे ये देखिए अब इसको क्या करना है यहाँ पे हमने इतना सिलने के बाद देखिए आपने इसको ऐसे करना है फ्रेंड्स देखिए ये हमारा बराबर आना चाहिए ये चीज़ जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये चीज़ हमारी ये दोनों बराबर आनी चाहिए फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा ऐसा रहेगा ऐसे तो चलिए इसको हम सिलते हैं ये देखिए ये दोनों को हमने कैसे सिलना है ये देखिए देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक साइड का सिला सिल दिया अब एक साइड का हम और सिलेंगे तो ये दोनों को आपने ऐसे बराबर करके फिर देखिए एक चैन से हम इस साइड का लेंगे और एक चैन हम इस साइड का लेंगे तो दोनों साइड के हमने चैन लेते हुए देखिए देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमने इसको देखिए ऐसे ही हमने इसको सिलना है और फ्रेंड्स जो देखिए ये कोने में हमारी जो एक ऐसा जैसे निकल जाता है चोंच जैसा तो इसको हमने क्या करना है ध्यान दीजिएगा देखिए हम ये कोने वाला जो कॉर्नर में हमारा था उसमें हमने ये फंदे डाल के सॉरी सुई डाल के उसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो देखिए ये चीज़ हमारी गोलाई में आ जाएगी एक्स्ट्रा धागे को हमने यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पे हमने पक्का कर लेना है फ्रेंड्स ये देखिए एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे अब इसको हम सीधा करते हैं फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा धागा इसको हम बाद में क्रोसिया से क्रोसिया से अंदर की साइड करके फिर इसको हम देखिए तो हमने ऐसे सीधा किया फ्रेंड्स तो ये हमारी सॉक्स लेंथ तक रहेगी पैर के ऊपर तक रहेगी देखिए एंकल लेंथ के ऊपर तक तो चलिए इसको हम पहन के दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स पहनने पे ये कुछ ऐसे आएगा देखिए ये यहाँ तक है आप इसको चाहे जितना ऊपर तक बना सकते हैं लेकिन ये इतना जरूर आप लोग बनाइएगा ये देखिए बैक साइड से कुछ ऐसा है फ्रंट साइड से बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी प्यारा है तो काफ़ी कंफर्टेबल है इस सॉक्स को आप चाहें तो लेफ्ट में पहने चाहे राइट right में इसमें उल्टे सीधे का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स इसको चाहे आप स्लीपर में पहनी है और चाहे शूज में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू